नमस्कार, प्रदेश की चुनावी विशेष खबरों के साथ सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं जसविंदर सहगल और मैं मेधा। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख बदल गई है। अब 25 नवंबर को मतदान होगा। पहले ये मतदान 23 नवंबर को होना था, लेकिन देवउठनी एकादशी के कारण ये माना जा रहा था कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान की तारीख बदली है। इसके अलावा नामांकन की शुरुआत और नाम वापसी, मतगणना सहित सभी शेड्यूल पहले जैसे ही रखे गए हैं। चुनाव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मतदान। अब जब विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है तो राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज से पीठासीन और मतदान अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले कल मतदान दलों को प्रशिक्षित किया गया। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने दलों को चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाई और उन्हें चुनौतियों से पार करने के बारे में भी बताया। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज जयपुर में बताया कि प्रदेश में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को वोटिंग की सुविधा दी है। इनमें बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचडी में पंप ऑपरेटर, टर्नर, राज्य की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने प्रकोष्ठों और प्रभारियों की बैठक में कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारी टीम भावना से तय समय में सभी काम पूरे करें। उधर नागौर कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने क्या करें क्या न करें के चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी प्रत्याशियों और दलों को नियमों का पालन करना ही होगा। बूंदी कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने समीक्षा बैठक में प्रचार सामग्री मुद्रण के सिलसिले में प्रावधानों की पालना करने की हिदायत दी। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इस बार जिले में 9,24,358 मतदाता वोट डालेंगे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक में अपना दायित्व सही तरीके से निभाने को कहा। सिरोही जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर भवरलाल का कहना था कि भयमुक्त मतदान के लिए प्रतिबंधात्मक कदम उठाने अनिवार्य है। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पीठासीन अधिकारियों को बूथ स्तर पर चुनाव आयोग का चेहरा बताया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे आचार संहिता को उल्लंघन करने वालों की जानकारी सी विजिल ऐप के जरिए जरूर दें। इस बार स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सी विजिल ऐप के माध्यम से MCC वायलेशन की को रिपोर्ट करने और 100 मिनट के अंदर उसको रिजोल्व करने के प्रावधान किए गए हैं। इसकी सारी व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आगे। चुनावों के मद्देनजर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने प्रदेश में इस हफ्ते रिकॉर्ड 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, शराब, कीमती धातु और नकदी पकड़ी। यदि पूरे महीने की बात करें तो अब तक 170 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। इन एजेंसियों में राज्य की पुलिस, एक्साइज, नारकोटिक्स और आयकर विभाग की बड़ी भूमिका रही है। प्रदेश के हर जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में सिरोही की राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय ने जागरूकता रैली निकाली और वोटर को मतदान करने की शपथ दिलाई। उदयपुर में मारो केणो वोट देणो थीम पर गांव ढाणी तक रैली, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान सहित कई नवाचार चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कॉफी विद कलेक्टर अभियान में बच्चों की लेटर राइटिंग प्रतियोगिता हुई। उदयपुर में स्वीप प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में स्वीप एक्टिविटीज के तहत विभिन्न निर्वाचन विभाग निर्देशानुसार ही नामांकन बढ़ाने के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और ब्लॉक और आयोजित की, जिसमें उदयपुर जिले में एक नवाचार के एक कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया फतह सागर झील पर। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।